हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो सबसे पहले तो आई एम सॉरी बाबू, मैं थोड़ा नहीं बहुत लेट हूँ। महीनों बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली लाइफ में बहुत कुछ काम हो रहे हैं जिस वजह से यूट्यूब को वो टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन जल्द ही वापस से नॉर्मल वीडियो शुरू करेंगे और शायद मैं काफी हद तक इस चैनल को चेंज कर दूं। काफी कुछ नया प्लान कर रहा हूं इस चैनल के लिए, तो उसके साथ बने रहो। आपके साथ ही सब कुछ चेंजेस वगैरह करेंगे और काफी कुछ नया आपको इस चैनल पे देखने को मिलने वाला है जल्द ही, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन आज के इस वीडियो में बात कुछ और करेंगे। आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, मैंने लिखा है इंडिया क्यों कभी दुनिया की सुपर पावर नहीं बन सकता। ये मैंने क्यों लिखा है, इस वीडियो को बनाने का क्या मतलब है और क्यों इस वीडियो की शुरुआत एक नेगेटिव टोन पे हो रही है, आज के इस वीडियो के साथ लगभग 10 मिनट बने रहो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरा पिछले कुछ समय में कुछ कामों की वजह से इंडिया के कुछ जगहों पे जाना हुआ। जब ऑन ग्राउंड जाके चीजें देखी तो पता चला कि सुपर पावर तो बहुत दूर की बात है। इंडिया तो अपने मीडियोकर माइंडसेट से ही बाहर नहीं आ पा रहा। क्या इंडिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा है? बन रहा है। इसी चैनल पे मैंने हर बार डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, इकोनॉमी, इनको कवर करता आया हूँ आज। लेकिन इंडिया के सुपर पावर बनने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, उसके बारे में बात करेंगे, जो की है इंडियंस। जी हाँ, इंडियंस, मैं और आप जैसे इंडियंस। कोई भी देश देखो बड़ा या पावरफुल कैसे बनता है, उसकी इकोनॉमी की वजह से, हाँ ठीक है, उसकी मिलिट्री की वजह से, हाँ ये भी ठीक है, तीसरा उस देश के लोगों के माइंडसेट की वजह से। लेकिन इंडियंस के माइंडसेट में क्या दिक्कत है? देखो इंडियंस के माइंडसेट में दिक्कत नहीं है, इंडियंस को ये लगता है और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इंडियंस का माइंडसेट आज मीडियोकर बन चुका है। इस वीडियो के एंड होते होते मैं इतने एग्जांपल्स दूंगा आपको इस चीज के कि आप लोग भी एक बार जरूर सोचोगे कि क्या हम सच में देश की तरक्की के लिए काम कर भी रहे हैं या नहीं। पिछले इतने समय से जब मैं ऑन ग्राउंड लेवल पे इंडिया में घूम रहा था, मैंने क्लियरली तीन तरह के लोग इंडिया में देखे। पहले तो वो जिनको वो इंडियंस है इस बात पे ही बहुत शर्म है। आपको हर जगह इंडिया में वो लोग मिल जाएंगे जो ये बोलते ही रहते हैं कि आई एम अशेम्ड एज एन इंडियन। उनकी सुबह की शुरुआत से लेकर के दिन का एंड इसी बात पे होता है। उनसे आप कुछ लॉजिकल बात कर भी नहीं सकते क्योंकि वो सुनेंगे ही नहीं, तो कोशिश ही नहीं करनी है क्योंकि उनको कुछ दिखता ही नहीं है। दूसरे वो लोग जिनको इंडिया में सब कुछ सही लगता है, इनके साथ दिक्कत ये है कि इंडिया के प्रॉब्लम्स को भी ये नहीं देख पाते। इंडिया को जहाँ क्रिटिसाइज करना चाहिए वहाँ भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। तीसरे वो लोग जो एक बैलेंस्ड माइंडसेट लेके चलते हैं, चीजों को सुनने के लिए ओपन रहते हैं, सब कुछ समझते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, ये तीसरा तरह के लोग इंडिया में बहुत कम है और यही कारण है कि इंडिया में प्रॉब्लम्स पे बहुत कम बात होती है। इतनी कम बात होती है कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी में, उनमें कई चीजों को एज एन इंडियंस हम लोग प्रॉब्लम समझते ही नहीं है। आपने दिल्ली मेट्रो या ट्रेन में ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी, ये क्या दिखाता है, क्या इंडियंस में सिविक सेंस है? दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि इस तरह की वीडियोस बनाई जाती है, दिक्कत ये है इनको प्राउडली शेयर किया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। लोग इस तरह की वीडियोस सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि वो फेमस हो सके और इंडिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो इन्हें फेमस करने में कसर भी नहीं छोड़ते। आज आजादी के 75 साल बाद इंडियन ट्रेन्स में टॉयलेट्स में मग में भी चेन लगी रहती है ताकि कोई उसे अपने घर ना ले जा सके। क्या ये एक डिसिप्लिन सोसाइटी का इंडिकेशन है? आज अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, अगर दो लोग मदद के लिए आगे आते हैं तो पीछे से 20 लोग मोबाइल में उसे रिकॉर्ड करते हैं ताकि सोशल मीडिया पे डाल सके। अगर कोई ट्रक जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, सामान फैल गया, तो सबसे पहले लोग उसे चुरा के भागते हैं ये देखने की बजाय कि जो अंदर बैठा इंसान था वो जिंदा भी है कि निकल लिया। क्या ये एक डिसिप्लिन सोसाइटी का जेस्चर है? शायद नहीं। एक्सीडेंट से याद आया, इंडिया 2023 खत्म होते होते दुनिया की नंबर वन कंट्री बन चुका है जिसमें सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सबसे पहले पहुंचना है, हमें नहीं देखना हमारे आगे क्या आ रहा है, हमारे पीछे क्या आ रहा है। वहाँ पे रोड में साइड से काट के हमने अपने 5 मिनट बचाने हैं और फिर वही टाइम सोशल मीडिया पे रील्स देखते हुए वेस्ट करना है। बिजनेस टुडे के अगस्त के 2023 के आर्टिकल के मुताबिक हर इंडियन एवरेज 3 घंटे से भी ज्यादा अपना टाइम सोशल मीडिया पे बिताता है, या तो ट्विटर पे या फेसबुक पे या तो इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हुए। और इन रील्स को देखने के लिए जो ये मेहनत करके हम लोग गाड़ियों को काटते हुए अपना रास्ता बनाते हुए आगे निकलते हैं ना, ये स्टंटबाजी कोई बहुत महंगी सेफ्टी वाली गाड़ियों में नहीं होती है। इंडिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां वो बिकती हैं जो 10 लाख से नीचे की होती हैं, जिनमें सेफ्टी के नाम पे सिर्फ 2 एयरबैग्स होते हैं। इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, सिर्फ ये कारण नहीं है कि इंडिया में 10 लाख से नीचे की गाड़ियां बिकती हैं और उनमें सेफ्टी नहीं होती,
कारण ये है कि एलियंस को शो ऑफ करने में बहुत मजा आता है। 10 लोगों से अगर पूछा जाएगा ना कि आपको 2 एक्स्ट्रा एयरबैग्स चाहिए या फिर गाड़ी में एक सनरूफ होना चाहिए, 10 में से 9 लोग बोलेंगे सनरूफ। क्यों? भले ही उसका ऐसा कोई खास इस्तेमाल ना हो रेगुलरली, लेकिन गाड़ी महंगी दिखेगी। आपको क्या लगता है, अभी इंडिया में एप्पल स्टोर खुला था, जितनी भीड़ वहां पे आईफोन लेने के लिए थी, क्या इंडिया सच में इतना अमीर हो गया है कि इतने लोग 1 लाख रुपए से भी ऊपर का फोन अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, इंडिया में हर 100 आईफोन जो बिकते हैं उनमें से 70-75% कम से कम ईएमआई पे लिए जाते हैं। इंडियंस में शो ऑफ करने का क्रेज इतना ज्यादा है कि भले ही लोन लेके या ईएमआई पे हमें वो चीजें लेनी पड़े जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम वो चीजें लेंगे भले ही उस चीज को लेने के बजाय जो कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे शो ऑफ नहीं होगा। और ये चीजें देख लेना आगे भी हमेशा इंडिया में मीडियोकर माइंडसेट बनाए रखेंगी। आज इंडिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां जो बिकती हैं वो ह्यूंडई, किया, होंडा, मारुति सुजुकी, इन सब की गाड़ियां बिकती है। हाँ, टाटा या महिंद्रा की भी गाड़ियां बिकती हैं, लेकिन जैसे होंडा या ह्यूंडई या किया ग्लोबली अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाई है, क्या टाटा या महिंद्रा कर पाई है? बिल्कुल नहीं। आपको यूके या यूएसए में टाटा महिंद्रा की गाड़ियां नहीं मिलेंगी, आप वहां किसी से जाके पूछोगे किसी को नहीं पता। यही सेम सिचुएशन तब भी थी जब टाटा और महिंद्रा शुरू हुई थी। टाटा के अंदर आज के समय में जगुआर लैंड रोवर जैसी कंपनी आती है, लेकिन टाटा की खुद की गाड़ियां आपको यूके की सड़कों पे चलती हुई नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उनके लिए R&D में पैसा लगाना पड़ता है। इंडिया के अंदर लोगों को गाड़ी चाहिए, हम चार सिक्योरिटी फीचर्स या और किसी फीचर को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन पैसे एक बजट के अमाउंट से ज्यादा नहीं देंगे। R&D, आपको क्या लगता है इंडिया में एक्चुअल आइडिया को फंडिंग मिलती है कभी? ओला एग्जैक्ट कॉपी है उबर की, जिसको इंडिया में फंडिंग मिली, फ्लिपकार्ट Amazon की, स्विगी या जोमेटो Waiter.com का, ये कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल्स थे अमेरिका में जो कि काफी सक्सेसफुल थे, जिनकी वजह से उनको इंडिया में फंडिंग मिली। इंडिया में आज भी एक भी ऐसा ओरिजिनल आइडिया नहीं है जिसको हमने स्क्रैच से ग्रो किया हो, उसकी R&D की हो, उसको फंडिंग दी हो और उसको फेंक के आज दुनिया के मुंह में मार सके कि हमने बनाया है, एक भी नहीं है। और इसके लिए एक्चुअली कोई एक चीज जिम्मेदार नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है। हमारे माइंडसेट को डेवलप ही ऐसे किया गया है कि यूरोप से कोई भी चीज बन के आ रही है, जापान से कोई भी चीज बन के आ रही है, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी। एक साइकिल लेने के लिए अगर आप दुकान पे जाते हो तो ये यूरोप से बन के आई है, इसलिए इसका प्राइस डबल है, ऐसा कोई भी दुकानदार बोल के आपको साइकिल चिपका देगा। और गोरी चमड़ी से तो हम लोगों को इतना प्यार है कि भले ही वो चीज कितनी भी खराब क्वालिटी की हो, यूरोप से बन के आई है, गोरो लोगों ने बनाई है, तो अच्छी ही होगी। आज 75 साल बाद भी एलियंस का जो गुलामी वाला फ्रेम ऑफ माइंडसेट है ना, वो वैसा ही है जैसा था। वो हैंगओवर आज तक हमारे दिमाग पे चढ़ा हुआ है, और इसके एग्जांपल के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ यूट्यूब पे जहां आप ये वीडियो देख रहे हो, आज कोई भी रैंडम फॉरेनर का रिएक्शन चैनल खोल के देख लो, अगर उसने रिएक्शन चैनल इंडिया पे बनाया है तो इंडियंस अपने आप पहुंच जाते हैं उस सेटिस्फेक्शन को लेने के लिए जो उन्हें मिलती है जब वो सामने वाला इंसान बोलता है कि इंडिया इज वेरी गुड, ओ माय गॉड व्हाट अ कंट्री। अगर आपको वो भी अलग से सेटिस्फेक्शन महसूस होती है आज इन तरह के चैनल्स पे इंडिया की तारीफ को सुन के, जो शायद कई बार आपको लगता हो कि शायद फेक है, लेकिन स्टिल आप वो वीडियोस देखते हो, मतलब सीधी सी बात है, वो जो कॉलोनियल माइंडसेट था ना, वो जो गुलामी वाला माइंडसेट था, वो आज भी हमारे दिमाग में है। हमें उस समय भी दूसरों से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था कि हम अच्छे हैं, और आज भी दूसरों से सर्टिफिकेट लेके खुद को सेटिस्फाई करना पड़ रहा है कि हम अच्छे हैं। आज तो बकायदा हम और गिर गए हैं, पाकिस्तानी चैनल्स तक हमें सर्टिफिकेशन दे रहे हैं कि हम कितने अच्छे हैं। आज आधा पाकिस्तान, बकायदा आधे से ज्यादा पाकिस्तान रिएक्शन चैनल खोल के बैठा है। क्यों? क्योंकि इंडियंस के पास टाइम बहुत है उन चीज को देखने के लिए, और इंडियंस इनसिक्योर इतने हैं कि अगर सामने वाला हमें बोलता है कि हम अच्छे हैं, तभी हमें यकीन होता है कि हाँ हम सच में अच्छे हैं, अदरवाइज नहीं। तो फिर क्या इंडिया में देखो कुछ अच्छा नहीं हो रहा? ऐसा नहीं है, इंडिया में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। हर जगह अच्छी चीजें भी हो रही हैं, बुरी चीजें भी हो रही हैं, लेकिन रियलिटी में रहना बहुत जरूरी है। ये मैंने जितनी भी बातें बोली हैं, इनमें हो सकता है बहुत से लोगों को बुरा लगा हो, इनमें मैंने उन लोगों के बारे में बात ही नहीं की जिनको ऑलरेडी लगता है कि इंडिया में सब कुछ ही सही हो रहा है, मतलब हम तो सुपर पावर बन ही गए हैं अब, क्योंकि उन लोगों से मुझे चैनल पर डिसलाइक ही मिल रहा है इस वीडियो के बाद। लेकिन देखो, हमारी दुनिया में एक स्टेटस है, एक पावर है, इसको हम झुठला नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी साहब की वजह से इजराइल हमास का वॉर जाएगा, या मोदी साहब चाहेंगे तो चीजों को यहाँ से वहां पलट देंगे, जो कि इंडिया में हिंदी मीडिया में आमतौर पर आपको देखने को मिलता होगा। इंडिया की जरूरत दुनिया को है, स्ट्रेटेजिकली जरूरत है, हमने खुद को ऐसे प्लेस किया है कि हम रूस अमेरिका सबसे बराबर बात कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुद को इतना इंपॉर्टेंट समझने लगे कि हमें लगे दुनिया ही हमारे चारों तरफ घूम रही है। नहीं, ऐसा नहीं है।
एक तरफ खुद को इतना इंपॉर्टेंट समझे बैठे हैं कि कल जाके इजराइल हमास का वॉर रुकवा दे, दूसरी तरफ कॉलोनियल हैंगओवर आज तक इतना चढ़ा हुआ है कि दूसरे देश का कोई इंसान अपने फायदे के लिए सोशल मीडिया पे झूठी तारीफ भी कर दे तो खुशी से फूले नहीं समाते हैं। पूरा ट्रेडिशन वेस्ट का फॉलो करना है, पूरा कल्चर वेस्ट का फॉलो करना है, गेम्स वेस्ट के ही खेलने हैं, अप्रूवल हमें वेस्ट का ही लेना है, मीडियोकर माइंडसेट किसका रहेगा हमें, और उसके बाद हम लोग खुद को क्या समझेंगे, इंडिया द सुपर पावर। तो देखो एट द एंड किसी को भी नीचा दिखाने वाली बात नहीं है इस वीडियो में, क्योंकि मैं खुद इंडियन हूँ, तो जितनी बातें आप पे लागू होती हैं उतनी ही बराबर बातें मेरे पे भी लागू होती हैं। लेकिन इंडियंस को बहुत सी चीजें चेंज करने की जरूरत है और ये चीजें हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। ऐसी हजारों चीजें हैं जो हम अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें अच्छी करनी पड़ेंगी, लेकिन सबसे पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करने की जरूरत है। एक सिविक सेंस, एक डिसिप्लिन लाने की जरूरत है सोसाइटी में, और दूसरा अपने उस कॉलोनियल हैंगओवर से बाहर आने की जरूरत है, बाहर निकलने की जरूरत है जिसने आज तक हमारे दिमाग को बांध रखा है, हमारी सोसाइटी को बांध रखा है, जिसमें आज भी हम वेस्ट को, वेस्ट के लोगों को सुपीरियर समझते हैं, अपने लिए उनसे अप्रूवल लेते हैं। ऐसे भले ही हम इकोनॉमी से, मिलिट्री से दुनिया की सुपर पावर बन भी जाए, दिमाग से, सोसाइटी से कभी नहीं बनेंगे। और खुद को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम दूसरों के बराबर हैं, और अगर हमें तब भी दूसरों के अप्रूवल की ही जरूरत पड़ेगी खुद के लिए, तो फिर क्यों कोई हमें या हमारी कंट्री को सुपर पावर बनने के बावजूद भी सुपर पावर समझेगा। बाकी जाते हुए मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो में किसी को बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, लेकिन ये सच है और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा फिर से जल्द ही, क्योंकि नई वीडियो तैयार है ऑलमोस्ट, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अलविदा, जय हिंद।